और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। केंद्र में मिलना चाहिए झारखंड को और प्रतिनिधित्व विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का उन्होंने दावा भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गीता कोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है और साथ ही झारखंड को केंद्र में और प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश भी की है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का उन्होंने दावा भी किया है। बात करें तो झारखंड में रिजल्ट जो था आप लोगों के पक्ष में उस तरह से नहीं रहे। केवल दो सीटों पर महागठबंधन जीता, एक पर आप, एक पर जेएमएम को जीत मिली है। तो आने वाले दिनों में चूंकि ये चुनौती कितनी बड़ी होगी, चूंकि एकमात्र कांग्रेस वहाँ पर जीती है और एकमात्र सांसद हैं आप झारखंड से। देखिए आने वाले क्योंकि हमारा विधानसभा चुनाव भी है, तो निश्चित ही हम लोग उस पर अभी हमारा फोकस है। और जहाँ तक महागठबंधन ने दो सीट जीते जरूर है, लेकिन अभी खेल अभी बाकी है। खेल देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, आप ये कह रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग होगा लोकसभा से, या इसी तरह से जो मुद्दा है इन्हीं मुद्दों को बीजेपी अगर उठाने की बात करें, बीजेपी का दावा है कि हम दो तिहाई से जीतेंगे वहाँ पर। देखिए अब अपना दावा कर रही है तो करने दीजिए, लेकिन हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग निश्चित ही आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। आखिर में एक सवाल, झारखंड से नई सरकार में एक मंत्री बने हैं जो अर्जुन मुंडा हैं, आपको लगता है झारखंड में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है अगर केंद्र सरकार की बात करें तो? देखिए अब क्योंकि वो बीजेपी का अपना मामला है, सरकार की अपना मामला है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि भाई झारखंड को विशेष ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से झारखंड में कई समस्याएं हैं, तो और झारखंड आज काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, उस नाते झारखंड को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। थैंक यू। तो ये थी गीता कोड़ा, जिनका कहना है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए और केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि अर्जुन मुंडा झारखंड का खास ध्यान रखेंगे। लेकिन मोदी सरकार पार्ट टू पर सुबोध कांत ने कहा कि उन्हें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आर्थिक सवालों पर यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अर्जुन मुंडा जी को कैबिनेट मिला, पहले कोई कैबिनेट में तो था नहीं यहाँ से, तो उनका प्रॉपर में मेरी रिहैबिलिटेशन हो गया है, दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन आर्थिक सवाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, FDI लोएस्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है मिसमैच है, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। मोर देन 40 इयर्स के में इतना अनएम्प्लॉयमेंट का कभी नहीं हुआ। इसी बीच एक और अहम खबर सियासी गलियारों से आ रही है, जहां दिल्ली में संघ पदाधिकारियों से अर्जुन मुंडा मिलने पहुंचे हैं। उदासीन आश्रम में मुलाकात हो रही है, आज शाम दिल्ली से रांची लौटेंगे अर्जुन मुंडा। मोदी सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन मुंडा। एनडीए सरकार 2 के पहले कैबिनेट में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दरवाजा लघु और सीमांत किसानों के साथ सभी किसानों के लिए खोल दिया। केंद्र सरकार के इस निर्णय से जहां सूबे के किसान काफी खुश हैं, वहीं बीजेपी नेता इसे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। मोदी सरकार 2 ने पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दरवाजा सभी किसानों के लिए खोल दिया है। अब हर किसान को केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलेगी। केंद्र की इस योजना का लाभ सूबे के लाखों किसानों को भी मिलेगा। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगा, 6,000 रुपया भी हर किसान को मिलेगा, तो बहुत इससे आदमी को लाभदायक मिलेगा। इससे बहुत सा आदमी का है कि जैसे खाद बीज खरीदने में भी मदद मिलेगा। अगर आगे इतना कुछ मिल जाएगा तो बहुत है फायदा, अगर नहीं कर आगे हो जाएगा उतना सब मिल जाएगा 6,000 तो आधा तो मतलब पूंजीवा लग जाएगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस फैसले से किसानों की आय दोगुनी करने में
बड़ी मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस योजना को और मजबूती से चलाने का सफल प्रयास किया जाएगा और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जितनी राशि केंद्र सरकार से मिलेगी उतनी ही राज्य सरकार से मिलेगी, इसलिए दुगना लाभ इस राज्य के किसानों को मिलने वाला। इस योजना से जहां किसानों को हर साल 6000 रुपए की मदद मिलेगी, तो वहीं राज्य सरकार की आशीर्वाद योजना के तहत भी किसानों को प्रति एकड़ 5000 की मदद मिल रही है। मतलब ये फैसला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। झारखंड में लाल फीताशाही सरकार के सपनों पर पानी फेरने में जुटी है। आलम यह है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए विभागीय सचिव को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल झारखंड में 7000 से अधिक किसानों को अब तक धान खरीद का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर मिल रही शिकायत पर मंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति अधिकारी बिल्कुल ही असंवेदनशील बने हुए हैं और अधिकारियों ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो भी संतुष्टिजनक नहीं है। ऐसे में सरयू राय ने विभागीय सचिव को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उनकी उपज का मूल्य मिले, ये उपज का मूल्य देने में नीचे का सिस्टम हमारा फेल हुआ है। कई कई लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, मगर मैंने तो कहा कि आपका कोई स्पष्टीकरण भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि अभी भी करीब 7000 किसानों को राज्य में उनका पैसा धान का नहीं मिला है और कई जिलों ने दिया है, कई जिले बहुत पीछे हैं। जो भी ये तर्क दे रहे थे, स्पष्टीकरण दे रहे थे, मैं तो किसी से संतुष्ट नहीं हूँ और मैंने सचिव को कहा है कि इनसे स्पष्टीकरण पूछिए, कार्रवाई करिए। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में शहीद के बच्चों की छात्रवृत्ति और किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने और किसान सम्मान निधि के विस्तार की घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया और कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने घोषणा पत्र के माध्यम से सोच को रखा था और उस दिशा में मोदी सरकार पार्ट टू काम करना शुरू कर चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार 2 के शुरुआत शहीद, मजदूर, कामगार और किसानों के कल्याण के साथ हुई। यह हम मानते हैं कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में चीजें रखी थी इन खासकर इन विशेष वर्गों के लिए, इस वादे को हमने पूरा किया। हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र की सीमाएं, इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पर जो हमारा पहला फोकस था वो जो राष्ट्र की इन सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, हमारे सुरक्षा प्रहरी, उनके प्रति था। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह फैसला कि किसानों के हक में जो पेंशन और उनको वार्षिक रुपए दिए जा रहे हैं, अब इस देश से, विश्व की राजनीति से नरेंद्र मोदी जी के नाम का दाद पूरे देश में दिया जाएगा और वह एक कारण से दिया जाएगा। खबर रांची से आ रही है जहां रिम्स में भर्ती सजायाफ्ता लालू से मिलने उनके समधी शिव कुमार और डॉक्टर राजेंद्र सिंह पहुंचे हैं। लालू से मुलाकात करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी रिम्स पहुंचे हैं, लेकिन लालू ने अभी उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। जम्मू कश्मीर के लेह में शहीद हुए बोकारो के जवान प्रवीण कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात प्रवीण कुमार को सैकड़ों ग्रामीणों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित आवास पर देर रात उनका पार्थिव शरीर लाया गया। तभी से शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ आने लगी थी। जोधपुर में तैनात प्रवीण कुमार ऑपरेशन मेघदूत के लिए सियाचिन जा रहे थे, तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। प्रशासन के द्वारा हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर और आर्मी के द्वारा भी गार्ड ऑफ ऑनर का व्यवस्था की गई है। इनके पूरा परिवार का हम लोग साथ, जिला प्रशासन साथ में है। प्रोटोकॉल्स है, वो रामगढ़ कैंट से भी लोग आए हैं, सिख रेजिमेंट से, जो भी प्रोटोकॉल होता है एक शहीद के लिए वो सारा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से करेंगे। जिला प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं। राजधानी रांची में हरी सब्जियां इस कदर महंगी हो गई हैं कि फलों को टक्कर दे रही हैं। सब्जियों के भाव ने आग उगलना शुरू कर दिया है।
सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण लोगों के बजट पर कितना असर हो रहा है, लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित सिन्हा ने। तो अमिता सिन्हा ने क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जो सब्जियों के दाम हैं वो भी प्रचंड तरीके से बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि सब्जी मंडी में जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके दाम में एकाएक उछाल आया है। कुछ लोग हैं सब्जी मंडी में जो सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि अब उनके किचन में जो कितना जो जायका है वो उसका स्वाद कम हो रहा है और बजट उनका कितना बिगड़ रहा है। आप बताइए, आप सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी के दाम में अचानक उछाल से कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, अभी दिक्कत है काफ़ी, मतलब सब्जी अचानक से देखिए गर्मी आते ही 50 रुपये हो गई है, तो अब अपना यूज़ करने के लिए हमको लेना ही पड़ेगा। दाम तो अभी सबका महंगा है, इसलिए कि बारिश में सब खराब हुआ, जो पत्थर मारा उसके लिए पूरा खराब हुआ, तो सब चीज़ महंगा ही है, कोई सस्ता नहीं। खरीदार क्या कह रहे हैं, जो खरीद रहे हैं वो ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, जितना लेते उतना ही ले रहे हो, कोई कम बेसी नहीं खरीदारी। कद्दू है अभी 20 रुपया, नेनुआ 15 रुपया, पटल 40, और भिंडी है अभी 15, टमाटर 40 रुपये है, कम बेसी हो जाता है। सब्जी का मूल्य बढ़ गया है और इसके कारण इसका असर जेब पर भी पड़ रहा है और उपभोक्ता सब्जी का आनंद कम उठा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गर्मी समाप्त होने वाली है और आशा है कि मानसून आने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी खाना तो है ही, तो इसको तो यूज करना है, लेकिन वैसे थोड़ा खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सब देखते हुए हम लोग यूज तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ कम। जो लोग हैं वो सब्जी जो खरीदने आ रहे हैं पहले की तुलना में अब कम खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो टमाटर है, परवल है, 50 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनका बजट तो बिगड़ रहा है, साथ ही एडजस्टमेंट करके चलना उनकी मजबूरी बन गई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज 18 झारखंड। लोहनगरी जमशेदपुर में साइबर चोरों ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। आए दिन ऑनलाइन ठगी और अवैध निकासी की घटना से लोग एटीएम से पैसे निकालने में भी डरने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। एटीएम से कैश निकालते वक्त सावधान, आपके अकाउंट में कोई लगा सकता है सिर। ऑनलाइन बैंकिंग में भी रहिए सावधान, हो सकती है आप पर किसी की नजर। अभी तो बहुत डर लगता है एटीएम यूज करने में, पासवर्ड देखकर पैसा निकाल लेते हैं, पीछे सब खड़ा रहता है। तो अगली बार आप भी जब एटीएम से कैश निकालने जाएं तो सावधान रहें, हो सकता है कोई साइबर क्रिमिनल आपके पीछे खड़ा हो और आपके कार्ड और पिन नंबर पर नजर रख रहा हो, क्योंकि जमशेदपुर में इन दिनों साइबर अपराधियों ने आम लोगों और पुलिस की नींद उड़ा रखी है। शहर में रोजाना किसी न किसी इलाके में किसी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो किसी के एटीएम कार्ड से निकासी की बात आम हो चुकी है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि गार्ड बार खड़े नहीं होते हैं और एटीएम हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी पैसा बाहर नहीं आता है, तो इस चीज़ का डर हमेशा लगे रहता है। पीछे खड़े रहते हैं लोग, जब हम पैसा निकालते हैं तो पीछे खड़े रहते हैं लोग, वो पासवर्ड देख कर पैसा निकाल लेते हैं। लोग खून पसीना एक कर एक एक पैसे जमा करते हैं और अचानक उस वक्त उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, जब मोबाइल पर मोटी रकम की निकासी या अकाउंट ही खाली हो जाने का मैसेज आ जाता है। लिहाजा लोग एटीएम में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक निकले और एक जाए, वैसे ही होना चाहिए, ताकि दूसरे जन पिन जन नहीं जान सके और प्रॉपर अच्छा से एटीएम से निकाल सके पैसा। लौह नगरी में साइबर क्राइम का ये हाल है कि पिछले 6 महीने में दर्जनों ठगी और अवैध निकासी का मामला सामने आ चुका है, जिसमें लोगों को 80 लाख से अधिक का चूना लग चुका है। शहर में बढ़ते साइबर क्राइम को पुलिस भी गंभीर मानती है, लिहाजा इसके लिए स्पेशल थाना, टेक्निकल टीम और विशेष पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है। लेकिन जमशेदपुर के सिटी एसपी सबसे अधिक सावधानी और जागरूकता पर जोर दे रहे हैं। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि इस पे रोकथाम करते रहें और साथ साथ हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा पूरे शहर में विभिन्न स्कूल कॉलेज कंपनीज में जाकर के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। और वहीं अधिकांश एटीएम में गार्ड नहीं होने की शिकायत पर पुलिस की अपनी थ्योरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बैंकों की अपने सिस्टम का है। यह तो बताया गया कि अब एटीएम में गार्ड रखने का मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है आरबीआई के द्वारा, तो इसीलिए उस पर हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो क्या एटीएम से शुरू हो रही साइबर क्राइम की सीरीज के लिए बैंक जिम्मेदार है? क्योंकि शहर के 80% एटीएम में गार्ड नहीं है और किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि आपके पीछे खड़ा व्यक्ति कौन है।
ग्राहक है या फिर शातिर साइबर अपराधी, तो बेहतर यही है कि आप सतर्क रहिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आशीष तिवारी, न्यूज 18, जमशेदपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज 18 झारखंड.com।